आपका क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी इज व्हाट। तो इसने क्या कहा, जस्ट वी विल ड्रॉ रफ स्केच। तो इसने कहा ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट सी, दैट मीन्स सी इज हियर, राइट एंगल इज हियर, दैट इज 90 डिग्रीज। ए यू कैन पुट हियर ऑल्सो और हियर एनीवेयर। तो जस्ट हम वी विल पुट हियर ए एंड हियर बी, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी। तो ए प्लस बी एंगल कितने हैं हमारे, टोटल सम इज 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज हमारे क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। नाउ आपको बताना है सेक, सेक ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, सेक 90 डिग्रीज, सेक 90 डिग्रीज। तो सेक 90 डिग्रीज की अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो क्या करना है आपको, कॉस की वैल्यू, तो क्या होगा, सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 90 डिग्रीज, ठीक है। अब कॉस 90 डिग्रीज कितना होता है पता नहीं, इफ वी आर नॉट नोइंग कॉस 90 डिग्रीज तो आपको क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई साइन 90 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन 0 डिग्रीज। साइन 0 डिग्रीज कितना होता है, साइन 0 डिग्रीज इज 0, 0, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 0, तो आपका क्या हो गया, 1 बाई 0, आपको तीनों में से एक की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बट फुल, लाइक साइन 0 डिग्री इज 0 डिग्रीज और वैल्यू इज 0, ठीक है। साइन 30 इज रूट ऑफ 1 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, लाइक दैट, ठीक है। तो 1 बाई 0 क्या होता है आपका, इट इज इंफिनिटी। यहां पर कहां पर दिया हुआ है 1 बाई 0, तो 0 है क्या वो, नो वो 0 नहीं है, रॉन्ग, 1 नहीं है, 2 बाई रूट 3 नहीं है, तो क्या इधर नो वैल्यूज, दैट मीन्स कोई वैल्यू नहीं दी हुई है इसकी, दैट इज इंफिनिटी, दैट मीन्स इट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है।